लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी में बीजेपी ने अभी 51 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इसके अलावा बात करें बीजेपी के सहयोगी दलों की, तो बीजेपी ने सिर्फ अभी आरएलडी को 2 सीटें दी हैं, ना ही अपना दल एस्को दी और ना ही सुभाषपा को। लेकिन मंत्री बनने के बाद राजभर ने एक सीट पर सीधा दावा ठोक दिया और दूसरी सीट पर चर्चा की बात कही। जैसे ही राजभर ने यह ऐलान किया, कुछ ही देर बाद उनके छोटे बेटे अरुण राजभर ने बिना देरी किए हुए सीधे पोस्टर जारी कर दिया। पहले राजभर के उस बयान को सुन लीजिए, जिसमें राजभर ने मीडिया से बातचीत में बीजेपी से एक सीट मिलने का दावा किया है। देखिए, एक सीट फाइनल हो गई है, दूसरी सीट पे बात चल रही है। कौन सी फाइनल हुई है? ये घोसी सीट है। कौन लड़ रहा है? छड़ी लड़ेगी। प्रत्याशी अब नेता लोग तय करेंगे, कल मीटिंग बुलाई गई है, कल लोग तय करेंगे। जैसे ही राजभर ने इसका ऐलान किया, राजभर के छोटे बेटे अरुण राजभर ने सोशल मीडिया में पोस्टर जारी कर अपने बड़े भाई अरविंद राजभर के घोसी सीट से उम्मीदवार होने का दावा ठोक दिया और शुभकामनाएं दे डाली। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा, एनडीए गठबंधन अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। डॉक्टर अरविंद राजभर जी को 70 घोसी से लोकसभा चुनाव प्रत्याशी बनाए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हालांकि बीजेपी द्वारा सुभाषपा को सीटें देने का अभी कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। इसी के साथ राजभर ने बीजेपी से 2 और सीटें गाजीपुर और बलिया मांगकर बीजेपी के सामने एक और बड़ी मांग रख दी। घोसी की सीट के अलावा और भी कोई सीट की डिमांड है? बिल्कुल, बलिया और गाजीपुर अभी बात चल रही है। अरे भैया महाराज, हम किसी से काम है कहा, क्या लग रहा है अभी एक अच्छी दिशा में बात चल रही है। कब तक फाइनल होने की उम्मीद है? 3-4 दिन में। बता दें कि साल 2022 में विधानसभा चुनाव में अरविंद राजभर वाराणसी की शिवपुर सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें बीजेपी उम्मीदवार अनिल राजभर ने हरा दिया था। लेकिन इस बार राजभर एनडीए के साथ हैं। ऐसे में अब देखना होगा इस सीट से अरविंद राजभर जीत पाएंगे या नहीं।